हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बर्ड्स और इसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। ये MEG-14 का ब्लॉक नंबर 4 की शॉर्ट स्टोरी है। सो डिस्कस करते हैं निर्मल वर्मा के बारे में। इनका बर्न हुआ था 3 अप्रैल 1929 शिमला में एंड ही डाइड ऑन 25 अक्टूबर 2005 न्यू दिल्ली। इनको कुछ फेमस अवार्ड्स मिले, अगर हम उसकी बात करें तो वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड। इनका जो ऑक्यूपेशन था वो बेसिकली राइटर थे, राइटिंग वर्क पे ही इनका फोकस था। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरी लिखी, ये एक्टिविस्ट थे और ट्रांसलेटर भी थे। ट्रांसलेटर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ राइटर्स हुए हैं जिन्होंने ट्रांसलेटर का काम किया। उन्होंने इंग्लिश के वर्क को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हिंदी के कुछ वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो जो निर्मल वर्मा है, इन्होंने भी ट्रांसलेटर में ट्रांसलेटिंग का काम बहुत ज़्यादा किया है। ये एक लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे जिसका नाम है नई कहानी। इस शॉर्ट स्टोरी के मेन करेक्टर्स की बात करें तो इसमें 4 ही करेक्टर हैं। लतिका जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी की, गिरीश नेगी जो कि लवर है लतिका का और प्रेजेंट टाइम पे ये मर चुका है, डेथ हो गई है इसकी वॉर में। डॉक्टर मुखर्जी इसका नेक्स्ट करेक्टर हैं, जो कि डॉक्टर हैं और उसी स्कूल में टीचर हैं जहाँ पर लतिका वार्डन है हॉस्टल की। और ह्यूबर्ट फ्रेंड है लतिका का, जो कि पियानो बजाता है और चर्च में या फिर कभी कभी स्कूल में भी आता है जहाँ पे वो लतिका से मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये जो स्टोरी है वो प्रेजेंट करती है पेन को, लतिका के पेन को, क्योंकि जो उसका लवर है गिरीश नेगी वो वॉर में उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के बाद जो लतिका है वो अपने पास्ट में जीती है, वो अपने पास्ट मेमोरीज़ में ही रहती है और उसे अपने पास्ट से वापस लाने के लिए जो डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट जो दोनों इसके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसको इसके पास्ट से निकाल। अगर लतिका के काम की बात करें तो ये हॉस्टल में वार्डन होती है, जो गर्ल्स हॉस्टल होता है वहाँ पर, और जो इसका लवर होता है वो एक सोल्जर होता है जिसका नाम है यहाँ पे गिरीश नेगी। लतिका से स्टार्ट करते हैं। तो शी इज़ वार्डन इन अ हॉस्टल और जो इसका लवर है, हर लवर वाज अ सोल्जर और वॉर के ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो गई थी उसके लवर की। एंड शी फील्स अलोन, ब्रोकन एंड इन पेन। शी डजंट लाइक ह्यूमन्स कंपनी। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और उसे जो सोशल इन्वॉल्वमेंट था ह्यूमन के बीच में रहने का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इनफेक्ट जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी वो दूरियां बनाना स्टार्ट कर देती है लतिका। यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से जो लवर होता है या फिर जो लव एज फर्स्ट साइड कह सकते हैं या जो इंसान प्यार में इन्वॉल्व होता है, अगर उसका पार्टनर चला जाए या उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन को प्रेजेंट किया है निर्मल वर्मा जी ने। शी ऑलवेज फॉल्स इन द मेमोरीज ऑफ हर लवर और वो खुद भी वैनिश नहीं करना चाहती अपनी मेमोरीज को, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी मेमोरीज वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी तो वो जी नहीं पाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हर पास्ट, यहाँ पे पास्ट की बात उसके लवर गिरीश से हो रही है, फ्रीज इन हर माइंड और उसके दिमाग में सिर्फ वही एक चीज़ है जो कि उसका लवर है या फिर जो उसके मोमेंट्स हैं, जो मेमोरी है जो दोनों की एक साथ थी, सिर्फ वही चीज़ें उसके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ पे जो दोनों फ्रेंड्स हैं उसके, ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, इनको राइटर ने प्रेजेंट किया है। डॉक्टर मुखर्जी को बताया है कि इन्होंने लतिका को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रेजेंट सिचुएशन में लाने के लिए एज अ ब्रेन काम किया है और ह्यूबर्ट ने एज अ हार्ट काम किया है। ये दोनों ही की पॉइंट्स थे जो इन्होंने दिया है इनको। हर फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट फॉर मेक हर फील बेटर एंड बिटर पास्ट को मिटाने में दोनों ही हेल्प करते हैं, चाहे वो ह्यूबर्ट हो या फिर मुखर्जी हो। यहाँ पे हम बिटर पास्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो उसका लवर था उसके साथ जो रिलेशंस थे वो बिटर थे, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम पे वो नहीं है और उसकी डेथ हो चुकी है, चाहकर भी उसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। और उसको सोचकर जो लतिका है वो अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, सिर्फ इसलिए इसको बिटर पास्ट बोला गया है। अगर हम डॉक्टर मुखर्जी की बात करते हैं तो वो एक रिफ्यूज़ी हैं और ये रिफ्यूज़ी हैं, ये बर्मा से आए थे, वहाँ पर इनकी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहते थे और बहुत हैप्पी लाइफ थी इनकी। लेकिन जब म्यांमार में इनका घर था और वहाँ पे वॉर के टाइम पे इनके घर को जला दिया गया और जो इनकी कंप्लीट फैमिली है उसकी डेथ हो गई। इनकी फैमिली की डेथ के बाद ही एस्केप एंड केम टू दिस टाउन जहाँ पर ये लतिका से मिलते हैं। इनका जो पास्ट है डॉक्टर मुखर्जी का वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि इन्होंने अपनी कंप्लीट फैमिली को खो दिया है, अपनी कंप्लीट फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। बट ही डजेंट
स्पीक रिगार्डिंग दैट, वो कभी भी उनके बारे में ना तो बात करते हैं और ना ही ज़्यादा सोचते हैं। ही मूव्ड फ्रॉम हिज पेन, दैट्स वाई ही एक्सप्लेन लतिका टू फ्लो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट। वो बोलते हैं लतिका को भी कि जिस तरह से उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ दिया है, उनके पास्ट में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, उन्होंने अपनी कंप्लीट फैमिली को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, उसी तरह से लतिका को भी जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए, जो उसके लवर की डेथ हुई, उसे भूल जाना चाहिए और अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनको ज़्यादा दर्द और वो लतिका को ज़्यादा इसलिए भी समझ पाते हैं क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी ने ही गिरीश और लतिका दोनों को मिलवाया था। तो हम कह सकते हैं इनका जो ये लव इतना सक्सेसफुल हुआ था उसको मिलवाने वाले डॉक्टर मुखर्जी ही हैं। सो ही कैन अंडरस्टैंड हर पेन, क्योंकि जो उनके बीच का क्लोजनेस था वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो दोनों के फ्रेंड थे, गिरीश के भी और लतिका के भी, इसीलिए वो दोनों के रिलेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ही ट्राइड कि जो लतिका है वो पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में आ जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ही अरेंज हैंग आउट फॉर हर, वो सोचते हैं, कोशिश करते हैं, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं और पास्ट की कोई भी बात नहीं करते। डॉक्टर मुखर्जी हैं वो बहुत सारी ऐसी टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लतिका के साथ बात करते हैं कंटिन्यू, उसको प्रेजेंट में लाने के लिए वो पास्ट की बातें ना करके उसको फ्यूचर के बारे में बताते हैं, कई मोरल स्टोरीज सुनाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ओल्ड मेमोरीज को छोड़कर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया है। क्योंकि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो तुम उसे दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। अब अगर हम ह्यूबर्ट की बात करें जो कि फ्रेंड होता है लतिका का स्टार्टिंग में, अगर ह्यूबर्ट की बात करते हैं तो ये नहीं पता कि ह्यूबर्ट के पास कहाँ की नेशनैलिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है स्टोरी में। एंड ही अटैच टू लतिका, और वो चर्च में म्यूज़िक प्लेयर था, स्पेशली वो पियानो बजाने का काम करता था और स्कूल से भी उसका अटैचमेंट था क्योंकि स्कूल में भी वो आता जाता रहता था। लतिका से वो यहीं मिला था और जहाँ पे लतिका वार्डन का काम करती थी। ह्यूबर्ट जो है वो लतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और उसको एक लेटर दे देता है। ये हम बात कर रहे हैं जब ह्यूबर्ट को नहीं पता था उसके लवर के बारे में या लवर की डेथ के बारे में, लेकिन जब ह्यूबर्ट को पता चल जाता है तो वो सॉरी फील करता है, गिल्टी फील करता है और उससे माफ़ी मांगता है और अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रखता है। ही ऑल्सो हेल्प्स लतिका, और ये जो दोनों करेक्टर्स हैं, चाहे वो ह्यूबर्ट हो या फिर डॉक्टर मुखर्जी हो, दोनों ही चाहते थे कि लतिका अपनी पास्ट से निकले और अपने प्रेजेंट में चले। ये स्टोरी जो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है लतिका के पेन को और फ्रेंडशिप को शो किया गया है ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी को। अगर हम टाइटल की बात करें कि इस स्टोरी का नाम बर्ड रखा गया है, बर्ड्स रखा गया है, जबकि इस कंप्लीट स्टोरी में बर्ड नाम का कोई चीज़ ही नहीं होती है। ना ही यहाँ पे बर्ड्स की बात होती है, ना एनिमल्स की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे किसी बर्ड लवर की बात हो रही है। आफ्टर दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ बर्ड, क्यों रखा है इसको राइटर ने, ये बात जाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो लतिका का माइंड है, लतिका माइंड लाइक अ बर्ड, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करती है अननोन डायरेक्शन में, उसे पता नहीं होता है कि कहाँ पे फ्लाई करना है, विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट डायरेक्शन, सेम एज लतिका इज़ नॉट क्लियर अबाउट हर फ्यूचर, और वह ऐसे ही अपने पास्ट में खोई, अपनी मेमोरीज में खोई, अपने फ्यूचर को नहीं जानती, और कह सकते हैं जैसे बर्ड का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है उनका पाथ, वैसे ही लतिका का जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, वो डायरेक्शन लेस है। इसीलिए राइटर ने, निर्मल वर्मा ने इस शॉर्ट स्टोरी का नाम बर्ड्स रखा है। बर्ड के थ्रू वो लतिका के माइंड को, उसके साइकोलॉजिकल वे को प्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम थीम्स की बात करते हैं तो इसमें पेन को दिखाया गया है, सफरिंग को दिखाया गया है, और नेक्स्ट थीम इसमें हम पास्ट ले सकते हैं कि किस तरह से जो इंसान का पास्ट है वो उसके प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि इस स्टोरी में लतिका के प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका पास्ट, जो उसका लवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट थीम इसमें फ्रेंडशिप को शो किया गया है, ट्रू फ्रेंडशिप को, जो कि डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के करेक्टर से प्रेजेंट किया है निर्मल वर्मा ने। इसमें ट्रू लव को भी दिखाया गया है कि इफ़ यू आर इन लव विद समवन और जेन्युइनली आप उसे पसंद करते हैं तो अपनी लाइफ से उसे निकालना या फिर उसे भूल जाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि लास्ट तक भी लतिका के साथ यही स्ट्रगल चलता रहता है उसके दिलो दिमाग में। हम कह सकते हैं जो इसको फिफ्थ थीम है वो इसमें लॉनलीनेस को दिखाया गया है कि किस तरह से अकेलापन होता है इंसान की लाइफ में अगर वो अपनी मेमोरीज में फंसा रहता है या अपने बिटर पास्ट में फंसा रहता है।
और लतिका के करेक्टर के थ्रू इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है निर्मल वर्मा ने। तो ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।